हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको कंप्यूटर के बारे में और उसके यूज़ के बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ। ठीक है, कंप्यूटर क्या है? वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, और वो हमको बहुत यूज़फुल है। जैसे कि हमारा वर्क फास्ट करके देते हैं, फिर कोई मिस्टेक नहीं करते, फिर वो बहुत सारा सोच लेते हैं एक साथ। ठीक है ना? तो ये सारा वर्क वो इजीली कर लेते हैं। ठीक है, फिर कंप्यूटर है वो कैसे यूज किया जाता है? तो ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, देखो आपको दिखाई दे रही है ना। पर उससे पहले हमको कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होता है वो भी तो देखना पड़ता है ना। तो कंप्यूटर है वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ। देखो, ये स्विच बोर्ड है, पहले इसको स्विच चालू करना पड़ता है, फिर यहाँ पे ये पावर बटन है उसको प्रेस करना पड़ता है, तब जाके हमारा ये कंप्यूटर स्टार्ट होता है। और कंप्यूटर में भी यहाँ पे एक बटन दिया हुआ होता है, इसको भी हमको प्रेस करके चालू करना पड़ता है। ठीक है, तब जाके हमको ये कंप्यूटर का स्क्रीन दिखाई देता है। ठीक है, ये चालू होने पे आपको आपके डेस्कटॉप, इसको बोला जाता है होम पेज या डेस्कटॉप। ठीक है, ये पूरा स्क्रीन है ना, उनको बोला जाता है डेस्कटॉप या होम पेज। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ये स्टार्ट बटन दिया हुआ है, ये वाला। यहाँ जाके आप आपका कोई भी प्रोग्राम ओपन कर सकते हो। ठीक है, और इसको ये नीचे की जो लाइन है उसको टास्क बार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टास्क बार। ठीक है, यहाँ से हम ये जो देखो यहाँ पे दिया हुआ है टाइमिंग और डेट दिया हुआ है, वो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। और ये आप यहाँ आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे डेट लिखा है और टाइम लिखा हुआ। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होता है? पहले हमको स्विच चालू करना पड़ता है, मेन स्विच, फिर सीपीयू का जो पावर बटन है उसको चालू किया जाता है, फिर मॉनिटर का ये जो बटन है उसको चालू किया जाता है, तब जाके हमको ये स्क्रीन दिखाई देती है। ठीक है, अब ये स्क्रीन पे जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये सारा छोटा छोटा, उसको बोला जाता है आइकॉन। क्या बोला जाता है? आइकॉन। ठीक है, और ये जो है वो विंडो का आइकॉन है, ये जो है ना ये विंडो का आइकॉन है। ठीक है, अब हमको जैसे कि हमको नोटपैड स्टार्ट करना है, तो हम यहाँ से ये स्टार्ट बटन पे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये पूरा ऐसा पॉपअप बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम पे आप जैसे ही टिक करोगे, ये स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, फिर ऑल प्रोग्राम पे क्लिक किया, तो ये आपके कंप्यूटर में जो कुछ भी होगा यहाँ पे दिखाई देगा, जो भी सॉफ्टवेयर होंगे। ठीक है, यहाँ से हम जाएंगे ये एसेसरी में, इसके ऊपर क्लिक करो, फिर ये नोटपैड। देखो इस तरह से हमारा नोटपैड ओपन होता है, ये हमारा नोटपैड का पेज ओपन हुआ। ठीक है, ये नोटपैड का पेज है, देखो दिख रहा है ना अच्छे से। ओके, यहाँ ऊपर की साइड लिखा हुआ है अनटाइटल नोटपैड। क्या लिखा हुआ है? अनटाइटल नोटपैड। और इसको क्या बोला जाता है? टाइटल बार। क्या बोला जाएगा? टाइटल बार। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ये फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प लिखा हुआ है ना, उस वो मेनू बार है। क्या है? मेनू बार है। ठीक है, ये मेनू बार है, वो मेनू बोला जाता है, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, ये सारे मेनू बार है। ओके, और फिर आप यहाँ पे आपको जो भी लिखना है वो आप इजीली लिख सकते हो। ठीक है,
आपके कीबोर्ड, आपको बताया था ना मैंने कैसे यूज होता है, कीबोर्ड पे आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। जैसे कि मैंने लिखा कंप्यूटर, तो देखो लिखा हुआ दिखाई दिया ना, तो इस तरह से आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, अभी हमको सेव नहीं करना इसलिए डोंट सेव करते। तो मैंने आपको बताया कैसे प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ओके, पहले कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होता है वो मैंने बताया, फिर नोटपैड कैसे स्टार्ट होता है वो बताया मैंने आपको। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ये हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड है ना, तो इसमें ये सारी अल्फाबेट की दिया हुआ है। आप यहाँ से ये अल्फाबेट की यूज़ करके वर्क कर सकते हो। और फिर देखो मैं थोड़ा जूम कर लूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। फिर यहाँ पे नंबरिकल की दिया हुआ है, फिर ये एरो की दिया हुआ है, फिर ये ऊपर दिया हुआ है वो फंक्शन की है, फिर यहाँ पे स्पेशल की दिया हुआ है ये लाइन में, और इसको कुल मिला के ये 104 की होती है, 104 की होती है। ठीक है, अब आपको मैंने अभी बताया कि आप कंप्यूटर कैसे स्टार्ट कर सकते हो। फिर से हम देखते हैं, पहले ये मेन स्विच चालू किया जाता है, फिर ये हमारा सीपीयू है, यहाँ पे हम पावर बटन क्लिक करेंगे। ठीक है, ये स्टार्ट करने पे यहाँ पे लाइट आएगी, और फिर ये हमारा मॉनिटर है उसके ऊपर क्लिक करेंगे ये बटन, तो ये मॉनिटर स्टार्ट होगा और तब जाके हमको ये स्क्रीन दिखाई देगी। मैंने आपको बताया कि ये छोटे छोटे जो यहाँ पे पिक्चर्स दिख रहे हैं ना, उसको बोला जाता है आइकॉन। क्या बोला जाता है? आइकॉन। ठीक है, और मैंने फिर बताया आपको कि ये जो नीचे की लाइन है ना, उसको बोला जाता है टास्क बार। क्या बोला जाता है? टास्क बार। ये हमारा विंडो बटन है, इसके ऊपर क्लिक करने से हम कंप्यूटर में कुछ भी वर्क कर सकते हैं, या कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करना है तो ये विंडो बटन पे क्लिक करने से होता है। ठीक है, फिर ये मैंने आपको बताया कि कैसे वर्क होता है ना, तो जैसे हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर होंगे वो सारे यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, फिर हम एसेसरी में जाएंगे और वहाँ से हम जाएंगे नोटपैड पे, तो ये हमारा नोटपैड का पेज ओपन हो गया। देखो हो गया ना नोटपैड का पेज। नोटपैड में ये ऊपर की जो लाइन है, मेरा माउस घूम रहा है आपको दिख रहा है ना, ऊपर की जो लाइन है वो है टाइटल बार, और फिर फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प लिखा हुआ है वो है वो मेनू बार है, और ये वाइट आपका ब्लैंक पेज दिया हुआ है, और यहाँ पे आप कोई भी वर्क इजीली कर सकते हो। ओके, थैंक यू।